अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर मुसाफिर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग लॉन्ग ओवर ड्यू, जो 18 किलोमीटर्स का ट्रैक है इस्लामाबाद में ऑफ रोड फॉर बाइक, तो वो आज सारे का सारा ट्रैक आपको दिखाएंगे। और ये ट्रैक मैं कहता हूँ जो भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाहते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड ट्रैक टू प्रैक्टिस ऑन, कि अगर आपने ये ट्रैक कर लिया तो फिर आपको वहाँ के ट्रैक्स में भी एज सच कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही गंदे ट्रैक्स में जाके प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप इसको कंफर्टेबली कर लेते हैं तो फिर आपको नॉर्दर्न एरियाज में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस ट्रैक की खूबसूरत बात यह कि यहाँ पर जो लैंडस्केप है वो तो ज़बरदस्त था ही, लेकिन कहीं पे ये बहुत इजी हो जाता था, कहीं पे बहुत ही गंदा किस्म का ऑफ रोड आ जाता था। तो ये हर किस्म की ट्रेन आपको यहाँ पे मिलती है, कहीं पे गारा आ जाता था, मड बहुत ज़्यादा, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है जो कि एक नॉर्मल ऑर्गेनिक ऑफ रोड ट्रैक नहीं होता है। कुछ सही गंदे किस्म के ऑफ रोड्स जो मैंने किए हैं उसमें टिला जोगियाँ का ट्रैक है वो बहुत ही गंदा किस्म का ऑफ रोड था, और फिर रूपल वैली का ट्रैक वो भी बहुत गंदे किस्म का ऑफ रोड ट्रैक था, जो कि जाता है नंगा पर्वत बेस कैंप पे रूपल वैली साइड से, तो वो भी बहुत गंदा ऑफ रोड था। तो इनको देख के कहीं कहीं पे कुछ पैचेस में आपको उसकी याद जो है वो ताज़ा हो जाती है। इस ट्रैक पे जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको लेफ्ट राइट ऐसी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशंस, अनएक्सप्लोर्ड किस्म की लोकेशंस नज़र आती हैं, जहाँ पर आप बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कैंपिंग कर सकते हैं। अब आई एम नॉट श्योर हाउ सेफ इट वुड बी, बट अगेन आपको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने से ही अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे क्या आपको डिफ़िकल्टीज पेश आ सकती हैं। लेकिन फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट बहुत ज़बरदस्त किस्म की लोकेशंस यहाँ पे नज़र आती हैं, जहाँ पर अगर आप कैंपिंग करना चाहें या दिन स्पेंड करना चाहें तो आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं, अगर मौसम बेहतरीन हो तो, क्योंकि गर्मी अगर ज़्यादा होगी तो फिर धूप आपको तंग करेगी। पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सेफ्टी। अगर जगहें जितनी भी, यानी कि टूरिस्ट जहाँ जहाँ पर जाना चाहते हैं, जो लोग विज़िट करना चाहते हैं, अगर वो सेफ़ होंगी, सिक्योर होंगी, तो यकीन माने इतनी कमाल की लोकेशंस है ना हमारे पास कि जहाँ पर जाने का दिल करता है, टाइम स्पेंड करने का दिल करता है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि यार थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न होता है तो फिर बंदा थोड़ा सा डरता है। वो भी 9 out of 10 टाइम्स कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई ऐसा वाकया नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर ये हमें अश्योरिटी हो कि कहीं भी अगर हम जाते हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बंदा बहुत सी ऐसी नई लोकेशंस को एक्सप्लोर कर सकता है, बहुत से ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो लोकेशंस हैं हमारे पास ही है, लेकिन जस्ट बिकॉज थोड़ा सा वहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ कि भी वहाँ पे किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म का एरिया है, तो वो चीज़ें अगर क्लियर हो जाए ना, तो यकीन माने पाकिस्तानी यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करें और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें कि मज़ा आ जाए। आज का ये ट्रैक पसंद आया होगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अराउंड 18-20 किलोमीटर्स का ट्रैक है ऑफ रोड और ज़बरदस्त किस्म की लोकेशंस के साथ। तो अपना जो भी फीडबैक हो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।